हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और आज मैं फिर से एक रीडिंग लेकर आई हूँ, कैंडल वैक्स रीडिंग है। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये है कि क्या आपके पर्सन किसी और से मैरिज कर लेंगे, क्या उनकी फैमिली वाले ज़बरदस्ती उनकी शादी कहीं और करा देंगे, क्या वो किसी और को चुन लेंगे। और ये मेल फीमेल कोई भी हो सकती है, आपकी जो भी पर्सन है वो फीमेल भी हो सकती है और मेल भी हो सकते हैं। तो हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। और डियर फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है और जेंडर फ्री है। जिस भी रिलेशनशिप में हो आपसे रेजोनेट करेगी। जनरल रीडिंग है तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें रेजोनेट ना करें, कुछ बातें मैच ना करें। और जितना करता है आपसे मैच उतना रखिएगा, और नहीं करते हैं जो बातें रेजोनेट नहीं करती हैं उनको छोड़िएगा। तो हम चार्ज करेंगे वाटर को, उसके बाद हम रीडिंग शुरू करेंगे। थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज़ इस पानी को चार्ज करें। थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज़ इस पानी को चार्ज करें जिससे कि मुझे एक्यूरेट मैसेज मिले। थैंक यू मेरे सभी असेंडेड मास्टर्स को, थैंक यू मेरे सभी एंजल्स को, थैंक यू सो मच। शुरू करते हैं रीडिंग को और देखते हैं कि क्या आपके पर्सन किसी और से शादी कर लेंगे। डियर फ्रेंड्स, अभी आपके पर्सन का जो थॉट पैटर्न है वो स्टेबल नहीं है। चार जगह उनका माइंड डाइवर्ट है, चार बातें उनके दिमाग में चल रही हैं, चार जगह उनका माइंड बटा हुआ है। और किस फेज़ पर उनको कितना वर्क करना है उनको नहीं समझ में आ रहा है। उनको ये लगता है कि जैसे वो नाच रहे हैं और दुनिया उनको नचा रही है, इस टाइप की फीलिंग उनको आ रही है। अभी उनको अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है, बहुत ज़्यादा वो अपसेट हैं। उनकी फैमिली की ओर से प्रेशर दिया जा रहा है उनके ऊपर मैरिज के लिए। देखिए, अभी ये लॉ बुझते हुए बची थी तो उन पर प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि वो आपसे रिश्ता कनेक्ट ना करें, आपसे डिसकनेक्ट हो जाएं, आपसे जो रिश्ता है उनका वो ख़त्म कर दें। लेकिन उनकी जो दिमागी हालत है वो ऐसी नहीं है कि वो भी कोई डिसीजन ले सकें। थोड़ा पॉज चाहते हैं लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में थोड़ा पॉज चाहते हैं, चीज़ों को जहाँ की तहाँ स्टॉप कर देना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं कि कुछ मूवमेंट हो अभी लाइफ में। उनकी मदर उनको फोटोज़ बहुत दिखा रही हैं, आए दिन नए रिश्ते लेकर आए जा रहे हैं उनके सामने, उनको नई नई फ़ोटो दिखाई जा रही हैं, उनको बताया जा रहा है लड़कियों के बारे में कि उसकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं, इसके अंदर क्या गुण है, उसके अंदर क्या खूबी है, बताया जा रहा है। और पूरी कोशिश की जा रही है कि आपसे उनकी शादी ना हो, कोशिश यही की जा रही है हर तरीके से, एन केन प्रकार, इन कैसे भी करके आपको उनकी लाइफ से दफा कर दिया जाए। ऐसी वहाँ पर उनकी फैमिली में राजनीति चल रही है अभी। हो सकता है कि उनकी कोई करीबी रिलेटिव हों, भाभी वगैरह लगती हों, तो उनको उनकी मदर समझाइश दे रही हैं कि तुम इसके क्लोज हो, तुम भाभी हो तो तुम इस तरीके से बात करो, इसको समझाओ, इसको बताओ कि क्या चीज़ सही है, लोग क्या कहेंगे, समाज में हमारी बहुत इज्जत है, ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरीके से वो चीज़ें उनको बताई जा रही हैं, समझाई जा रही हैं।
प्रेशराइज बहुत किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर देखिए आप, जितने भी डॉट्स गिरे हैं, एक भी डॉट प्रॉपर नहीं बना हुआ है, सारे आधे अधूरे हैं, सब में कुछ ना कुछ कमी है। तो इस टाइम जिंदगी उनकी बहुत डाउन चल रही है, फीलिंग लो लो फील कर रहे हैं। अजीब कश्मकश में फंसे हैं, ना वो आपको भूल सकते हैं, ना आपको छोड़ सकते हैं, और ना ही वो अपनी फैमिली के अगेंस्ट जा सकते हैं, ना अपनी फैमिली को मना कर सकते हैं। तो इस समय वो बिल्कुल ऐसे लग रहा है उनको कि वो तलवार की धार पर खड़े हुए हैं। उनको यही लग रहा है कि किस तरीके से फैमिली को मनाऊं, कोई रास्ता नज़र नहीं आता, क्योंकि आप लोगों में कास्ट इशूज़ हैं, आप लोगों में एज डिफरेंस है, और हो सकता है कि रिश्तेदारी में भी पड़ते हों आप लोग एक दूसरे से, करीब की रिश्तेदारी हो आपकी। हो सकता है कि आपका कल्चर डिफरेंट हो, आपकी कास्ट अलग हो, आपके जो रिचुअल्स होते हैं वो अलग हो, आपका धर्म अलग हो, सब चीज़ें यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट हो सकती हैं, जो बीच में रुकावट बन रही हैं रिश्ते के। आपके पर्सन आपको ही पाना चाहते हैं, देखिए यहाँ पर इस वैक्स को देखिए, ये वैक्स जो है ये आपको दिख रही होगी, मेल फीमेल का पैटर्न बना हुआ है। तो आपके पर्सन आपको ही चाहते हैं लाइफ में। उनको ये लगता है कि अगर उन्होंने फैमिली की बात मान ली तो वो कभी आपसे नज़रें नहीं मिला पाएंगे, और अगर उन्होंने आपकी बात मान ली, अपने प्यार को चुन लिया, तो फैमिली वाले उनसे रिश्ता ख़त्म कर लेंगे, ये वो सोच रहे हैं। और अपने दोस्तों से भी ये एडवाइस मांगते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए आगे, क्योंकि उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है अभी। लेकिन ये पर्सन ना कुछ नहीं करना चाहते हैं किसी को भी, ना आपसे दूर जाना चाहते हैं, ना अपनी फैमिली को परेशान करना चाहते हैं। तो वो इस चीज़ का कोई सोल्यूशन चाहते हैं कि बीच में ऐसा कुछ सोल्यूशन निकल आए, क्योंकि उनकी माँ उनके पीछे पड़ी हुई हैं, उनके जो आसपास भाभियाँ हैं या कोई भी है, खुद भी फ़ोटो दिखाती हैं, और जब वो आपके पर्सन मना कर देते हैं तो फिर 2-4 दिन के बाद फिर से वो किसी न किसी के हाथों तो भेजती हैं कि ये फ़ोटो दिखा दो, ये लड़की कैसी है। लेकिन आपके पर्सन उनसे थोड़ा सा कटे रहते हैं, और यहाँ पर देखिए ये जो पॉइंट ये जुड़े हुए हैं, उनको ये लगता है आपके पर्सन को कि उनका आपके साथ सोल कनेक्शन है, उनको ये लगता है कि उनका आपके साथ सोल कनेक्शन है, और इसलिए वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं। उनकी फैमिली में शायद ये भी प्रेशर है कि उनकी कोई सिस्टर वगैरह भी होगी मैरिज के लिए, उनकी भी शादी करनी है, तो प्रेशराइज कर रही है फैमिली की, पहले तुम्हारी हो उसके बाद हम उसकी करें। और घूम फिर कर उनके ऊपर, आपके पर्सन के ऊपर चीज़ें लगाई जाती हैं कि आपकी वजह से छोटे जो भाई बहन हैं उनकी शादी नहीं कर पा रहे हैं हम। तो इस समय आपके पर्सन बहुत धर्म संकट में फंसे हुए हैं, ना वो आपको छोड़ सकते हैं और ना फैमिली को। बस वो प्रार्थना कर सकते हैं गॉड से, और वही कर रहे हैं कि कैसे भी करके ईश्वर इस सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करे, इनका कोई ऐसा रास्ता निकाले कि फैमिली एग्री हो जाए। फैमिली वालों की परवाह है उन्हें, बाकी का उन्हें समाज की परवाह नहीं है, वो ये चाहते हैं कि उनकी फैमिली दुखी ना हो, नाराज़ ना हो उनसे, बाकी का उन्हें किसी और की कोई परवाह नहीं है कि लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, इससे उनको कोई लेना देना नहीं है।
हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको बताया हो कि उनके घर में उनको फोटोज़ दिखाई जा रही हैं। और यहाँ पर जो राशियाँ निकल कर आई हैं डियर फ्रेंड्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वीरगो, कैप्रिकॉर्न और जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, लियो, लियो, सेजिटेरियस भी दिख रही है। और आपके पर्सन का नाम पी से शुरू हो सकता है, पी से। R, B, ये कुछ इनिशियल्स हो सकते हैं उनके। A भी निकल के आ रहा है, तो ये उनके इनिशियल्स हो सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग कि आपके पर्सन क्या किसी और से मैरिज कर लेंगे। जी हाँ, उनके ऊपर प्रेशर बहुत है फैमिली का, और अगर ऐसे ही प्रेशर बना रहा तो वो कोई ऐसा डिसीजन ले भी सकते हैं। लेकिन कोशिश वो यही करेंगे कि आप दोनों साथ में हो, अपनी फैमिली को मनाने की कोशिश करेंगे। वो पूरी तरीके से पूरा जोर लगाएंगे। हो सकता है कि अपने करीबी रिश्तेदार, उनकी जो मौसियाँ हैं, भाभियाँ हैं, उनसे कहलवाएँ। अब यहाँ पर मैं कुछ मैसेजेस निकाल लेती हूँ, देखते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या बोलना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन बताएं हमारे व्यूअर्स से उनके पर्सन क्या बोलना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू। ओके, जो पहला है मैसेज वो है आई एम इन ट्रबल। तो आपसे कह रहे हैं कि इस समय बहुत मुसीबत में हूँ, फंसा हुआ हूँ परेशानियों से। आई एम इन ट्रबल। यू टॉट मी हाउ टू लव नॉट ओनली यू बट ओनली माई सेल्फ। तो हो सकता है कि आपने उनको ये सिखाया हो कि कैसे अपने आप से प्यार करना है, आपसे ही नहीं बल्कि उनको सेल्फ लव कैसे करना है, खुद से कैसे प्यार करना है, कैसे खुद की केयर करनी है, कैसे खुद को इम्पोर्टेंस देनी है। ये चीज़ें भी आपने उनको सिखाई होंगी और उनको बताया होगा कि आपको अपने आप पर भी फोकस करना है, फैमिली के साथ साथ आपको अपनी फीलिंग्स पर भी ध्यान देना है। ये आपने उनको समझाया होगा। इवन व्हेन वी आर अपार्ट द थॉट ऑफ योर थॉट ऑफ यू मेक्स मी स्माइल। तो ये कह रहे हैं कि मैं हम जब भी अलग होते हैं, हम बेशक दूर होते हैं, लेकिन तुम्हारा जो थॉट है तुम्हारे बारे में, जब मैं सोचता हूँ या सोचती हूँ तो मेरे चेहरे पर स्माइल आ जाती है, ऐसा आपसे कह रहे हैं। येलो कलर के मैसेजेस और एक दो ले लेते हैं। आपसे कह रहे हैं यू आर स्मार्ट, तो आप स्मार्ट हो उनकी नज़रों में। यू नो वॉट एवर आई वॉन्ट एंड वॉट एवर आई नीड। तो आपसे कह रहे हैं कि तुम्हें पता है कि मैं क्या चाहता हूँ और क्या मेरी ज़रूरत है। तो हो सकता है कि आपको चाहते हो और आप ही उनकी ज़रूरत हो। यू आर माई लवर एंड बेस्ट फ्रेंड एट द सेम टाइम। तो आपसे कह रहे हैं कि आप उनकी लवर भी हो, उनकी बेस्ट फ्रेंड भी हो, क्योंकि वो अपने घर की, फैमिली की, मदर की, फादर की, सबकी बातें आपसे शेयर करते होंगे, इसलिए वो आपको अपने लवर के साथ ही अपना फ्रेंड भी मानते हैं। डियर फ्रेंड्स, ये उनकी ओर से सॉन्ग है, इसको सुनिएगा। आपके लिए सॉन्ग भेजा है उन्होंने, डेडिकेट किया है आपको, ज़रूर से सुनिएगा, देख लीजिएगा। यू अप्रिशिएट मी इन एवरी डे। तो आप, हो सकता है कि उनको बहुत अप्रिशिएट करते हो, वो जो भी काम करते हों आपको बताते हों कि देखो आज मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, और आप उनको बहुत अप्रिशिएट करती हों, उनकी तारीफ करती हों, उनकी वाहवाही करती हों, तो ये चीज़ उनको बहुत अच्छी लगती है आपकी।
यू डिडेंट ट्रीट मी एज योर ऑप्शन, आई एम ऑलवेज योर नंबर वन प्रायोरिटी। तो आपसे कह रहे हैं कि तुमने मुझे कभी भी ऐसे ट्रीट नहीं किया है कि जैसे मैं ऑप्शन हूँ तुम्हारे लिए, या तुम्हारे पास दो चार ऑप्शन है। तुमने कभी मुझे ऑप्शन की तरह से यूज नहीं किया, ऑप्शन की तरह से ट्रीट नहीं किया। तुमने हमेशा मुझे नंबर वन प्रायोरिटी दी है, तुमने मुझे हमेशा नंबर वन पर रखा है अपनी लाइफ में। तो और देखते हैं, एक दो मैसेज येलो निकालते हैं, एक दो ऑरेंज। आई लव वेन यू फिक्स माई हेयर। तो आप कभी उनके बालों को ठीक करती होंगी या करते होंगे, तो उनको ये बहुत अच्छा लगता है। कभी आप उनके बालों में फिंगर्स डालते होंगे या फिर टच करते होंगे उनके हेयर्स को, तो ये चीज़ वो कह रहे हैं कि आई लव वेन यू फिक्स माई हेयर। तो जब भी आप उनके बालों को संवारती होंगी या संवारते होंगे, तो वो चीज़ उनको बहुत मिस कर रही है, बहुत याद कर रहे हैं। एक और सॉन्ग है, आई होप आपने देख लिया होगा, जाने क्यों लोग प्यार करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये थे मैसेजेस आपके पर्सन की ओर से, और ये रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई हो, आपने एंजॉय किया हो रीडिंग को। रीडिंग पसंद आए तो आपको लाइक करना है वीडियो को, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है, और आपके मैसेजेस, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हैं। मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, बने रहिए मेरे साथ हमेशा। मेरी सोल फैमिली बढ़ती जा रही है, इस चीज़ की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। थैंक यू अपना साथ देने के लिए, थैंक यू अपना टाइम देने के लिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।